video, I would like to thank our partner for this video, Meesho. Meesho is an India's largest online reselling app, जहाँ पर आप अपना खुद का business start कर सकते हैं घर बैठ करके ही with zero investment. अगर ये आपको बहुत ज़्यादा interesting sound हो रहा है ना, तो video के end तक ज़रूर रहिएगा. My channel Ruchi Style Corner. तो टाइटल से देखिए आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है. तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना लिविंग रूम टूर जो आप बोल सकते हो वो शेयर करने वाली हूँ. आफ्टर मेकओवर ये कैसा लग रहा है, किस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया है और किस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है. तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे एंड फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मैं उनको थोड़ी सी डिटेल्स जो बेसिक डिटेल्स है वो अपने बारे में बता देती हूँ. तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे एंड फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, उनको मैं अपने बारे में छोटी मोटी सी बेसिक जो डिटेल्स है वो मैं अपने बारे में बता देती हूँ. तो आई वॉज बेसिकली फ्रॉम भोपाल एंड आई शिफ्टेड टू मुंबई इन 2016 दिसंबर आफ्टर मैरिज. एंड सबसे पहले मुंबई में मैं जिस घर में आई हूँ वो यही घर है. सो बेसिकली दिस प्लेस इज सो क्लोज टू माई हार्ट और तब से लेके अभी तक हम लोग यहीं पर रह रहे हैं. एंड विक्की को इस घर में अप्रॉक्सीमेटली 4.5 years हो चुके हैं. तो ये घर में काफ़ी सारी बार मैं मेकओवर्स, डेकोरेशंस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज़ें करती रहती हूँ. आई थिंक दिस इज द फोर्थ मेकओवर आई डिड विद दिस प्लेस एंड आई लिटरली लव होम डेकोरेशन. मुझे अच्छा लगता है घर को डेकोरेट करना, अपने तरीके से रखना. तो बेसिकली दिस इज रेंटेड अकोमोडेशन, ये हमारा खुद का फ्लैट नहीं है, ये रेंटेड है. जितना भी फर्नीचर इस घर में है वो सब कुछ हमारा है एक्सेप्ट हमारे बेडरूम में जो कबर्ड है वो, छोटा मोटा किचन में मॉड्यूलर है, दैट्स इट. यही हमको प्रोवाइड किया गया था. बाकी जितनी भी चीजें हैं ये सब कुछ हम लोगों ने एक एक करके पैसे जोड़ के बहुत सारे थॉट प्रोसेस से चीजें खरीदी है. सो एवरी सिंगल थिंग इज सो स्पेशल टू मी और हर चीज से मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ. एंड टेक्निकली आई एम नॉट एन इंटीरियर डिजाइनर, मुझे सिर्फ पसंद है घर को डेकोरेट करना, इसलिए मैं करती हूँ और अपने आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. मैं जिस घर में रहती हूँ ये 1 BHK अपार्टमेंट है जिसके अंदर कोई भी बालकनी नहीं है और काफी कम स्क्वायर फीट है इसका. मुंबई में जनरली घर जो होते हैं काफी कॉम्पैक्ट और छोटे होते हैं, तो मुझे उसको नजर में रखते हुए डेकोरेशन सोचना पड़ता है ताकि मेरा घर स्पेशियस लगे, बड़ा लगे, क्लटर्ड ना लगे, भरा भरा ना लगे. पर्सनली मुझे जिस तरह का डेकोरेशन पसंद है, मुझे एकदम क्लीन, नीट और क्लटर फ्री डेकोरेशन मुझे ज़्यादा पसंद आता है. तो मुझे यूजुअली जो डेकोरेशन पसंद है मुझे एकदम क्लीन और अभी बोल सकते हो बहुत क्लटर्ड चीज़ें पसंद नहीं है. थोड़ा खाली खाली सा घर अच्छा लगता है जिसको मैं मेंटेन कर सकूँ, उस नज़र से मैं चीज़ों को सोचती हूँ. सो यस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द मेन वीडियो. सबसे मेन जो एंट्रेंस है वो मेरा ये वाला डोर है. तो इस वाले डोर के पीछे मैंने छोटा सा हैंगिंग टाइप ऑफ बनाया है जिसको मैंने मार्केट 99 से परचेस किया था एंड ये मुझे काफी क्यूट लगता है. उसके बाद आप ये जो दो बल्ब देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली अ DIY जो मेरे ओल्ड फाइबर के बल्ब से, दिस इज नॉट ग्लास बल्ब. तो जो फाइबर वाले बल्ब होते हैं उसको मैंने पूरा निकाल करके उसके अंदर ऐसे दो मनी प्लांट्स पानी भर के लगाया हुआ है जो कि मुझे बहुत क्यूट लगता है. लाइक दिस मैंने इस तरह से जो रोप होती है वो बांध करके यहाँ पर हैंग करके रखा है. और एंट्रेंस के जस्ट राइट हैंड साइड पे आती है मेरी मेमोरी वॉल जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और एक तरह से मेरा फेवरेट कॉर्नर है ये पूरे घर का. तो पहले ये जो मेमोरी वॉल थी ये सिर्फ 6 फोटोग्राफ्स की थी, अभी मैंने इसको काफ़ी सारा बड़ा सा कर दिया है. पर्सनली आई एम वेरी कलरफुल काइंड ऑफ अ पर्सन, मुझे कलर्स बहुत पसंद है, मुझे कलर्स से बहुत प्यार है और मुझे सारे कलर्स ही बहुत अच्छे लगते हैं. बट मुझे इंटीरियर में स्पेसिफिकली वाइट कलर बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत सूदिंग, कामिंग, पीसफुल और बहुत अच्छा लगता है. तो दैट्स वाई दिस टाइम मैंने अपने पूरे घर को वाइट कलर में पेंट किया है और जो मेरा पूरा फर्नीचर अभी आया है वो वाइट कलर के ही कॉम्बिनेशन में मैंने किया है. मुझे इंडियन डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा पसंद है, जो टिपिकल ट्रेडिशनल इंडियन डेकोरेशन होता है वो. इन फ्यूचर कभी आगे मेरा बड़ा घर होगा तो उसमें मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, बट अभी मैंने बहुत सिंपल सा मिनिमलिज्म टाइप का डेकोरेशन रखा है. तो यहाँ पर जो वॉल है, इस एंट्री गेट के राइट हैंड साइड की जो वॉल है ये पूरी काफ़ी बड़ी सी वॉल है और इस पे हम लोगों ने जो TV यूनिट बनवाया है ये अभी रिसेंटली हमारे फर्नीचर में ऐड हुआ है
तो ये जो टीवी यूनिट है ये हम लोगों ने दिवाली के काफी पहले बनवाया था, बट हमको ये आफ्टर 28 डेज बाद मिली है क्योंकि हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स थे, जिस तरह की हमको फिनिशिंग चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं थी, एंड लिटरली हमने थाने में इतने सारे कारपेंटर्स की शॉप छानी है, आपने शायद मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा, मैं 1-1.5 महीने पहले से इसके लिए काफी सारे शॉप्स में जाकर के पता कर रही थी क्योंकि मुझे एकदम स्लीक और जैसा मुझे डिजाइन चाहिए था वो मतलब मुझे मिल नहीं रहा था अभी। तो ये जो आप टीवी यूनिट पूरी देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये शायद पूरी एक ही टीवी यूनिट है, बट एक्चुअली में ये एक टीवी यूनिट नहीं है, ये 3-in-1 टीवी यूनिट है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये वाला है, यहाँ से ये टीवी यूनिट पूरी तरह से जो इसका कंपार्टमेंट है, ये जो कंपार्टमेंट है ये पूरी तरह से अलग होकर के नीचे आ जाता है। उसके बाद ये जो आप 6 पार्ट्स का कंपार्टमेंट देख रहे हैं, ये यहाँ से इसमें पार्टीशन है, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाता है। तो इस तरह से ये 3-in-1 है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट इसका ये है। ऐसे डिजाइन करवाने का हम दोनों का मेन पर्पस ये था कि अभी तो हम इस घर में रह रहे हैं, इस डायमेंशन के हिसाब से ये एकदम परफेक्ट है, कल को हम अगर किसी और जगह पे जाते हैं या वहां पर इस तरह की जगह नहीं हुई तो हम लोग क्या करेंगे, तब फिर ये पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये अलग हो जाता है, ये जो 2 सेक्शन है ये अलग हो जाते हैं, और मेरा ये रिक्वायरमेंट था कि जब वो एक साथ हो तो कोई उनको देख करके बता ना सके कि ये पूरी 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है यूनिट। तो ये जो यूनिट है ये एक स्क्रू के हेल्प से कनेक्टेड है, तो वो स्क्रू मैं कभी भी निकाल करके मैं चाहूँ तो ये वाला यूनिट है वहाँ रख सकती हूँ, इसको कहीं पर भी कुछ भी कर सकती हूँ, काफ़ी तरीके से इस पर मैं प्ले कर सकती हूँ, प्ले अराउंड कर सकती हूँ। सो दैट्स वाई इसको बनने में काफ़ी टाइम लग गया था। ऐसे टीवी लगाया है हम लोगों ने, और यहाँ पर सिंपल सी जो फ्रेम है वो लग के रखी है, एंड दिस इज़ माय फेवरेट कोटेशन, लाइफ इज़ अ जर्नी, एंजॉय द राइड। ये मुझे आई थी फ्रॉम जूम इन स्टोरीज से, मैं इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। काफ़ी प्यारी सी फ्रेम है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, और यहाँ पर जो मेरा डाइनिंग टेबल पर पुराना वाला वास था वो मैंने यहाँ पर कॉर्नर में रख दिया है, तो इसकी वजह से जो इसके पीछे कनेक्शन वगैरह है वो सब पूरा छुप गया है। उसके बाद जो टीवी के वायर्स वगैरह थे वो सब इसके पीछे छुप चुके हैं, आपको वहाँ से दिख रहा होगा। तो ये जो है ये हम लोगों ने खुद बनाया है, अगर आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने सारी डिटेल्स दी हैं। तो ये हम लोगों ने खुद डिज़ाइन करी है, क्रेट आपको रेडीमेड मिल जाएगा और बहुत सस्ते में मिल जाएगा, बट एक्चुअली मुझे मेरे साइजेस के अकॉर्डिंग चाहिए थी, तो दैट्स वाई ये हम लोगों ने खुद ही बनाई है। देन ये जो फ्लावर वास हैं छोटे छोटे से, ये मैंने ऑर्डर करे थे Shein से, और ये वाला जो वास था इसका एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ख़राब था, ये मेरा टूटा हुआ आया था, तो थैंकफुली मेरे पास वाइट कलर का एक कप था सिरेमिक का, तो वो मैंने इसके अंदर रख दिया है, तो उसकी वजह से ये, और यहाँ पर रियल प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये मेरा ऑयल डिफ्यूज़र है, और ये D2H है, और यहाँ पर सब कुछ एकदम काफ़ी क्लीन सा रखा हुआ है। तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये वाला जो डोर है ये कौन सा डोर किस तरफ से खुलता है। सो बेसिकली ये वाला जो डोर है ये नीचे से खुलता है, ऐसे ये ऐसे खुलता है, ये जो 2 हैं ये इस तरह से खुलते हैं, और सब ऐसे अलग 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 पैटर्न में ओपन होते हैं। तो ये काफ़ी स्लीक और बहुत प्यारा उन्होंने डिज़ाइन बताया है, जैसा हमको चाहिए था बिल्कुल हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाई है। वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है वेलकम टू अवर पैराडाइज, और एक प्लांट मैंने रखा हुआ है जो कि फेक प्लांट है। अब जो टीवी यूनिट के साइड वाली वॉल है, इस वॉल को मैं थोड़ा सा मिनिमल रखना चाहती थी, विक्की को भी यहाँ पर ज़्यादा भरा भरा सा पसंद नहीं आ रहा था, तो इसमें 2-3 एक्सपेरिमेंट्स करे बट वो सब फेल हो गए। देन फाइनली हम लोगों ने ये बहुत सिंपल सी वाइट एंड गोल्डन कलर की पेंटिंग लगाई है जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी। और ये जो फ्रेम्स हैं ये भी मैंने अलग ऑर्डर किया था, पेंटिंग्स मैंने अलग ऑर्डर किया था, और उसमें मैंने ये फिट इन कर दिया है। और उसके नीचे ये मेरा सोफ़ा रखा हुआ है, सो दिस इज बेड कम सोफा, ये डबल बेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके ऊपर व्हाइट कलर के कुशन्स हैं, कुशन्स सब पुराने हैं, ये 2 कुशन मैंने होम टाउन से परचेस किए थे, और जो इस साइड वाले कुशन्स हैं ये मैं क्रॉफिट मार्केट से कुशन कवर्स लेकर के आई थी। एंड उसके साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर मेरा डाइनिंग टेबल है। दिस होल एरिया इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज वेरी सून, इसको भी हम पूरा चेंज करने वाले हैं, तो वो भी हमारे दिमाग में कुछ ऐसा है कि हम उसको यू नो मल्टीपल यूज
वाला कुछ हो, तो जो भी होगा वो आगे बताएंगे. अभी विक्की और हम दोनों उस थॉट प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, बिकॉज ये टीवी यूनिट के टाइम पे भी हम दोनों में बहुत बहस हो जाती थी. मेरी कुछ और डिज़ाइन थी, विक्की की कुछ और डिज़ाइन थी, फिर फाइनली हम दोनों ने क्लब करके ये वाला पैटर्न सोचा था, जो कि बहुत पसंद आया हम दोनों को. एंड इसके लिए भी हम कुछ सोच रहे हैं, बताएंगे जो भी होगा आगे कमिंग वीडियो में. टाइम लगेगा उसमें ऑब्वियसली, डेढ़ से दो महीना आराम से लगेगा. अभी सोच रहे हैं, फिर वो एग्जीक्यूट करेंगे. पता नहीं कौन सा कारपेंटर उसको बनाने के लिए रेडी होगा, तो दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. तो यहाँ पर कुछ एसेस मैंने चेंज नहीं किया है, वही जो यहाँ पर लाइट लगा के रखी है वही है. उसके बाद जो मेरा ये वाला जो आपने देखा है, ये नया मैंने लगाया हुआ है, जो कि इस तरफ लगा हुआ था. तो ये गोल्डन कलर में था, इसको मैंने वाइट कलर में पेंट कर दिया, और इसको मैंने वाइट कलर में पेंट कर दिया है. और यहाँ पर एक नॉर्मल सा दो कैंडल्स रखी हुई हैं, एक ये रखा हुआ है, और दो सब फेक है. यहाँ पर सब कुछ फेक चीज़ें रखी हुई हैं. देन यहाँ पर एक ट्रे है, उसमें वो रियल बैम्बू है, और कुछ इस तरह से ड्राई फ्रूट्स की छोटी छोटी डब्बियाँ हैं. दैट्स इट, इतना ही सामान यहाँ पर रखा हुआ है. डाइनिंग टेबल के जस्ट ये वाली साइड में जो आप कर्टेंस देख रहे हैं, यहाँ पर मेरी विंडो है. क्योंकि मेरे पास बैल्कनी नहीं है और मुझे प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने अपने इस एरिया को प्लांट से पूरी तरह से भर दिया है. और ये जो आप कर्टेंस देख रहे हैं, ये मैंने सिर्फ 250 रुपीज़ के लोकल स्टोर भोपाल से परचेस किए थे, जो कि इस पूरी थीम के साथ बहुत परफेक्टली मैच हो रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं. उसके बाद आते हैं जो हमारा मेन एंट्रेंस है, उसके लेफ्ट हैंड साइड का एरिया. अब मैंने आपको राइट हैंड साइड का एरिया बताया था, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक यूनिट रखा हुआ है, जो कि सिटिंग एंड स्टोरेज यूनिट दोनों ही है. ये मैंने लास्ट ईयर परचेस करी थी होम सेंटर से अप्रोक्सीमेटली 7900 एंड कुछ की, एंड आई एम वेरी सैटिस्फाइड एंड हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट. ये मेरे घर की थीम में बहुत अच्छी तरीके से जाती है, और ये लगती बहुत स्टाइलिश एंड स्लीक एंड बहुत प्रॉपर है, और काफी सारा सामान इसके अंदर आ जाता है. मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से ओपन होती है. अरे मेरे जो भी पुराने कर्टन्स हैं, या मेरे कुशन कवर्स हैं, या जो रग्स हैं, वो सब कुछ मैं इसी के अंदर स्टोर करके रखती हूँ. एंड यहाँ पर मैंने ऐसे चार पिलो रखे हुए हैं, और ये वाला जो पिलो कवर है, ये मैं लेकर के आई हूँ वेस्ट साइड से. जब मैं मेकओवर कर रही थी, तभी जब मैं वीडियो शूट करने वाली थी, तब मुझे याद आया कि वो शीट मैंने ये दो कवर तो चेंज ही नहीं करे हैं, और ये बिल्कुल थीम से नहीं मैच हो रहे थे. सो दैट्स व्हाई मैं फटाक से जा करके वेस्ट साइड से लेकर के आई. और ये जो दो है, ये दोनों मैंने अगेन होम सेंटर से परचेस करे थे, दोनों सेम ही है, ग्रेइश एंड येलोइश कलर का. नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस टेबल के ऊपर. तो ये टेबल काफ़ी स्टाइलिश सी मुझे होम सेंटर में लगी थी, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने ये परचेस कर लिया था. बट अनफॉर्चुनेटली हमने लास्ट ईयर परचेस किया था, और इसका जो पेंट है ना, वो निकलने लगा. मतलब अकॉर्डिंग टू द प्राइस, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगी इसको परचेस करने के लिए. इसका जो पॉलिश है वो बहुत ईजिली निकल जाता है, बहुत ही ज़्यादा ईजिली. तो इसको मैंने रीपेंट किया है मेकओवर के टाइम पे, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था. एंड इसके पीछे जो आप प्लांट देख रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली अ फेक प्लांट. ये फेक पाम ट्री है, जिस जो कि मैं प्रॉफिट मार्केट से लेकर के आई थी, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट लगता एकदम रियल है. नाउ इस पाम ट्री के साइड में आप जो पूरा एरिया देख रहे हैं, दिस इज द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दिस होम. तो सबसे पहले आते हैं इस ग्रेट शेल्फ के ऊपर. तो ये बहुत ही ज़्यादा यू नो ब्लॉगर फ्रेंडली काइंड ऑफ ए शेल्फ है. मैंने काफ़ी सारे इंटीरियर वीडियोस में जो फॉरेन यूट्यूबर्स के हैं, वो भी इवन इंडियन यूट्यूबर्स के भी हैं उनके, और उसके बाद मैं बहुत सारे इंस्टाग्राम जो होम डेकोरेशन पेजेस हैं उनको फॉलो करती हूँ. तो बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यूज़ किया हुआ है, तो मेरा बहुत मन था क्रेट को यूज़ करने का. बट अनफॉर्चुनेटली बोल लीजिए, क्योंकि मुंबई में उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बारिश, अभी भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं जब मार्केट गई और मैं जो क्रेट लेकर के आई थी, मुझे लिटरली जो क्रेट है उसमें कीड़े लगे हुए मिले, और बहुत सड़ गई थी वो क्रेट. मतलब वो मैं घर के अंदर नहीं रख सकती थी. आई डिसाइडेड कि मैं इन क्रेट्स को अपने अकॉर्डिंग, अपने साइज के अकॉर्डिंग, जिस तरह का मुझे चाहिए वैसा मैं खुद बनाऊंगी. तो मैं और मेरे हस्बैंड जा करके पूरी वुड जो है वो कटवा के लेकर के आए. ये टीक वुड है बेसिकली, उसमें आती है कैटेगरीज में टीक वुड. तो ये लीस्ट वाली है, बट काफी स्ट्रांग है. मतलब इसके अंदर मैं हैवी सा सामान रख के भी, कैसे भी डेकोरेशन उसमें वॉल शेल्फ बना करके भी यूज कर सकती हूँ. तो दिस इज लॉन्ग लास्टिंग पर्पस, और ये पूरा हम लोगों ने खुद बनाया है. देन अभी
भी आते हैं इन शेल्व्स के ऊपर. तो ये जो दो शेल्व्स हैं ये मैंने होम सेंटर से परचेज की थी और आई एब्सोल्युटली लव दीज शेल्व्स. और उसके बाद आप ये जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं ये सारे प्लांट्स मुझे ugao.com ने भेजे हैं. सो आई रियली लाइक टू थैंक यू ugao.com फॉर सेंडिंग मी दीज लवली प्लांट्स. यहाँ पर मेरा जो रुचि स्टाइल कॉर्नर का सिल्वर प्ले बटन है वो लगा हुआ है और कहीं पे मुझे एकदम इसकी जगह परफेक्ट नहीं लग रही थी तो इसलिए मैंने इसको यहाँ लगाया. देन ऊपर वाले शेल्फ में आपको ये दो प्लांटर्स दिखेंगे जो कि फेक प्लांटर्स है वहाँ पर ऊपर. एंड ये ग्रे कलर के थे, इसको अगेन मैंने पेंट किया है वाइट कलर में. और उसके बाद ये छोटी छोटी सी चीज़ें रखी हुई हैं. उसके बाद आप ऊपर वो जो तो ट्रे देख रहे हैं उसको मैंने खुद पेंट किया है और मैंने खुद उस पर चीज़ें लिखी हुई हैं विच आई टोटली लव्ड इट. ये जो दो आपको हैंगिंग प्लांटर्स दिख रहे हैं ये मैंने होम टाउन से परचेस करे हैं जो कि यहाँ पर बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस पूरे एरिया को. इस एरिया में मैं एज अ सिटिंग अरेंजमेंट जो फ्लोर सिटिंग होती है वो अरेंज कर रही हूँ. एंड मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ्लोर सिटिंग करने के बाद ये कैसा लग रहा है. और यहाँ पर बैठ कर आप यू नो चिल मार सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आप कुछ काम कर सकते हैं. तो उस तरह का ये पूरा एरिया रेडी हो चुका है. तो दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आई होप आपको मेरा ये जो छोटा मोटा सा डेकोरेशन है ये पसंद आया होगा. और आप मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई है. एंड वीडियो ख़त्म करने से पहले जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बात बोली थी घर बैठ कर के बिजनेस करने की, उसके बारे में मैं छोटा सा आपको डिटेल में चीज़ें बता देती हूँ. तो अगर आप हाउस वाइफ हैं और आप स्टूडेंट हैं और आप घर से कुछ काम करना चाहते हैं या अपनी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप करना चाहते हैं या अपनी मेन इनकम को अच्छा करना चाहते हैं, then what you can do is you can download this app जो कि link मैंने description box में दी हुई है. इस पर आप click करेंगे और इसको download करेंगे. इसको download करने के बाद आप थोड़ा सा thoroughly इस पूरे app को scroll down करिए, पूरा search करिए कि क्या क्या इसमें चीज़ें दी हुई हैं. then आपको जो भी items उसमें पसंद आता है आप बस उसको अपने friends and families के साथ share करिए. किसी भी social media platform पर आप इसको share कर सकते हैं और आपके link के through अगर आपके friends and family में से किसी ने भी shopping करी है तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो डायरेक्टली आपको मिलेगा. तो है ना ये बहुत ही आसान तरीका घर बैठ करके पैसे कमाने का. तो दैट्स इट फॉर माय वीडियो. इफ यू लाइक माय वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.